हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, RSMSSB द्वारा लैब असिस्टेंट एग्जाम कराया जा रहा है, कुछ समय बाद आपका ये एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम देने अगर आप जा रहे हैं तो चार पांच बातों का खास ध्यान रखना है आपको। कौन सी चार पांच बातें हैं, तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कट ऑफ। कट ऑफ पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपने कितनी भी वीडियो देख ली हो यूट्यूब पर, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है प्रिपरेशन अगर करता है वो कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही करता है। या तो वो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखता है या इस एग्जाम की कट ऑफ क्या होने वाली है इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। बात क्लियर है? लेकिन एग्जाम लेवल इस तरह का है, RSMSSB कंडक्ट करा रहा है, जो अभी अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का 18-19 का एग्जाम हुआ है इसी मंथ में। तो एग्जाम का लेवल इतना है कि अभी आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर जयपुर, उसमें बताया गया है कि 40% अंक लाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, पेपर का जो लेवल है इतना हार्ड था। बात क्लियर है? तो आपको कट ऑफ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देना है जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। आगे चलते हैं। 40% क्राइटेरिया कंप्लीट करना कंपलसरी है। देखिए, साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं इनके दो पेपर होंगे और दोनों पेपर में 40% अंक लाना या मार्क्स लाना कंपलसरी है। आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करें, अगर एक पेपर आपका काफी अच्छा चला जाता है और दूसरे पेपर में आपके 40% मार्क्स भी नहीं आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो 40% मार्क्स पर सबसे पहले ध्यान रखना है। कैसे रखना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, नेगेटिव मार्किंग पर भी आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग का खेल बहुत ज्यादा होने वाला है इस एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम लेवल अच्छा होने वाला है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, अगर जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करें तो उन्हीं क्वेश्चन को आप सोल्व करें सबसे पहले, या उन्हीं पर आप टिक करें जिन पर आप 100% श्योर हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आप डाउट हैं उसे छोड़ के चलें। स्पीड अपनी मेंटेन रखनी है, इतनी मेंटेन रखनी है कि जल्द से जल्द आप अपने क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व कर लें और जितने भी आप 100% श्योर क्वेश्चन है उनको जल्द से जल्द अटेम्प्ट कर लें। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा आपका एग्जाम लेवल पर। आपको एग्जाम लेवल के बारे में पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। कैसे पता चलेगा? देखिए, एग्जाम लेवल की अगर हम बात करते हैं, आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे जो स्टार्टिंग से सोल्व करना स्टार्ट करें और जिस पे आप 100% सो रहे हैं उन्हीं पर आप टिक करें और आगे बढ़ते रहें, जिन पे डाउट है उनको छोड़ के चलें। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का क्या लेवल था। इजी पेपर था तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर एवरेज पेपर था तो उससे ज्यादा उससे कम, और हार्ड पेपर था तो उससे भी कम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एग्जाम लेवल पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है एग्जाम लेवल पर। उस टाइम कोई भी हो एग्जाम देने जाता है, आप हूँ मैं हूँ, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं हम, आप क्वेश्चन पेपर एक बार सोल्व कर लेते हैं, एक बार हम उसे सोल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही सोल्व करते हैं और हमें एकदम पता लग जाता है और हमारा दिमाग एकदम जाता है कि सर हमने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने क्वेश्चन पे तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ये बात आपको दिमाग से निकालनी, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले मेरे 40% और 40% जो क्राइटेरिया रखा गया है ये कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में और क्या करना है। बात क्लियर है? देखिए, एग्जाम लेवल मैंने आपको बता दिया, जरूर चेक करना है। अब क्वेश्चन आपके जो है वो आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहे हैं। देखिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो RSMSSB का कुछ भी भरोसा नहीं है, वो क्या चाह रहा है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। एग्जाम लेवल इतना हार्ड हो रहा है कि स्टूडेंट पर क्वेश्चन पेपर सोल्व भी नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन पेपर जो है इसमें जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम है, एग्जाम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का किसने कंडक्ट कराया? RSMSSB ने। यही लैब असिस्टेंट का एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा? RSMSSB ही कंडक्ट कराएगी। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल अच्छा खासा ही होने वाला है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, आपने प्रिपरेशन करी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आपको यही नहीं पता चल रहा है कि ये किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप छोड़ के चले, ठीक है। उस पर ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज्यादा टाइम उस पर खराब ना करें, क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता चल रहा है, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, तो आप ये सोच के चलें कि ये जो क्वेश्चन है अदर स्टूडेंट भी सोल्व नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। इन्होंने सिलेबस तो दे दिया लेकिन क्वेश्चन आउट ऑफ
आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, ठीक है, काफी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। इसके बाद स्पीड पर जरूर ध्यान देना। देखिए स्पीड पर आप, स्पीड आपको ये बताएगी कि अगर आप जल्द से जल्द अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो इससे आपको एग्जाम लेवल का पता चलेगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि 40% क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट हो रहा है और नहीं हो रहा है, और आपको टाइम भी मिलेगा अपने क्वेश्चन पेपर को दोबारा सोल्व करने के लिए, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी पर खास ध्यान देना, और सबसे खास ध्यान देना है नेगेटिव मार्किंग। कोई भी क्वेश्चन आपको गलत अटेम्प्ट नहीं करना है, क्वेश्चन आपको तभी अटेम्प्ट करना है। देखिए चार ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चन के, अगर आपको लगता है कि दो ऑप्शन इसमें 100% नहीं है तो उनको बाहर निकाल दीजिए, और दो ऑप्शन पर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर तीन ऑप्शन हो जाते हैं और तीन ऑप्शन पर आप रिस्क लेने लगते हैं तो इसका मतलब आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग का खेल जो इफेक्ट पड़ेगा पूरा नेगेटिव मार्किंग का, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका काफी हार्ड आ रहा है, क्वेश्चन पेपर हार्ड है और नेगेटिव मार्किंग का खेल रहेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग आपकी ज्यादा हो जाती है तो आपके 40% अंक पर इफेक्ट पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।